राणा सनाउल्लाह का केस खुली अदालत में चलाया जाए, वकला और मीडिया को अदालत में जाने से क्यों रोका जा रहा है? हुक्मरान किस बात से खौफजदा हैं? राणा सनाउल्लाह के वकला की पंजाब हुकूमत पर तनकीद, कहते हैं अगर सूरत हाल ऐसी ही रही तो मुकदमे का मुकम्मल बॉयकॉट कर देंगे। आज वकला के साथ बदतमीजी की गई, उन्हें मारा पीटा गया, उनकी टाइयों को खींचा गया और उनको अदालत में दाखिल होने से रोका गया। इंतहाई करबनाक मामला है ये, इंतहाई अफसोसनाक मामला है। अगर वकला अदालत तक नहीं जा सकेंगे तो फिर ये मुकदमा कैसा चलेगा? मैं ये जानना चाहता हूँ कि हुकूमत का खौफ किस चीज़ का है? ये ओपन कोर्ट में मुकदमा क्यों नहीं चलाना चाहते? क्या ये अदालत को बंद करके मुकदमा चलाना चाहते हैं? अगर हुकूमत ने यही हाल मौजूद रखा तो हम मुकदमे इसका बायकॉट कर देंगे। ये हर पेशी के ऊपर पंजाब पुलिस की तरफ से तमाशा बनाया जाता है, खवातीन मेंबर्स के साथ बदतमीजी की जाती है। हमारे सब्र का इम्तहान पंजाब पुलिस मत ले। पंजाब हुकूमत लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करने में फेल हो चुकी हुई है। कल दारुल अमान का गेट तोड़ा गया, दारुल अमान के अंदर पुलिस दाखिल हुई, वहाँ खवातीन से बदतमीजी की गई। तो हम मुतालबा करते हैं कि तमाम वो अहलकार और जो पुलिस अफसरान इसमें मुलव्वस हैं, जिन्होंने हमारे कारकुनान को, हमारे एमपीएस को तशद्दुद का निशाना बनाए, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए।